कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस फायरिंग से जांबहाक नौजवान की शनाख्त हो गई। मकतूल अजमल हब से आ रहा था, गाड़ी ना रोकने पर पाकिस्तान बाजार थाने के अहलकारों ने फायरिंग कर दी। असल वाकया क्या है जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद रजा से। जी मोहम्मद रजा जी, इस वक्त मैं औरंगी टाउन इस्लाम चौक पे मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक गाड़ी को पुलिस अहलकारों ने रुकने का इशारा किया, जब वो गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस अहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई। उस फायरिंग के नतीजे में एक जो गाड़ी के अंदर सवार ड्राइवर था उसको गोली लगी और उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इसके अलावा पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ी में जो छालियाँ भारी मकदार में मौजूद थी, पुलिस को इत्तला थी कि यहाँ से छालियाँ जो स्मगल की जा रही है, और तमाम तर जो शवाहिद हैं वो क्राइम सीन ड्यूटी यहाँ पर मौजूद है उनसे भी जानते हैं। आप ये बताइएगा क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं आप लोगों, क्या मालूम है इसमें? शवाहिद में हमने जो है एक DNA ब्लड स्वाब स्टिक उठाई है और एक हैंडकरचीफ रुमाल था जो हमें जो है मौके वारदात से जो है मिला है। इसके अलावा हमें कोई ब्लड शेल या ब्लड का कोई खोल जो है हमें कलेक्ट नहीं हुआ है, कोई वहाँ से हमारे यहाँ से नहीं मिला है हमारे को। आप देख सकते हैं कि इस बड़ी मकदार में यहाँ पर छालियाँ भी पड़ी है और यहाँ से अब गाड़ी जो है थाने मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो गाड़ी थी उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, उस पर जो मुल्जिमान थे उनकी जानिब से ही पुलिस पर फायरिंग की गई और वो फरार हो गए हैं। वाकये की मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं। जी।